नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज़ पब्लिक रिलेशंस पब्लिक रिलेशंस क्या हैं वो कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो एक रिटेलर करता है और बेशक वो पेड हो बेशक वो नॉन पेड हो बेशक वो स्पॉन्सर्ड हो बेशक वो नॉन स्पॉन्सर्ड हो लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आप पब्लिक के अंदर अपनी अवेयरनेस को अपने इमेज को एज ए रिटेलर इम्प्रूव कर सकें अगर तो आप अपने इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं विच मीन्स यू आर एबल टू हैव सक्सेसफुल पब्लिक रिलेशन और बेटर पब्लिक रिलेशन और इम्प्रूव पब्लिक रिलेशन्स अगर ऐसा नहीं है तो ऑफ़कोर्स आपको अपने इमेज को बेहतर करने के लिए यू नीड टू डू सर्टन एक्टिविटीज़ जिस तरीके से मैंने बताया कि बेशक वो पेड हैं बेशक वो नॉन पेड हैं बेशक वो पर्सनल कम्युनिकेशन है बेशक वो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है बेशक वो स्पॉन्सर्ड uh, हैं बेशक वो नॉन स्पॉन्सर्ड हैं आपको अपने इमेज को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक के अंदर यू हैव टू बिल्ड योर रिलेशनशिप्स क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक रिलेशंस को बिल्ड uh, करने के लिए किसी भी रिटेलर के लिए सो देर आर लिस्ट ऑफ आपके पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रिटेलर एंड इट स्ट्रेटजी मिक्स क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है रिटेलर का है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जाने उसके बारे में अगर तो रिटेलर uh, अवेयरनेस क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है ऑफ कोर्स वो कस्टमर को स्टोर तक भी ले आएगा और जब स्टोर तक ले आएगा तो अल्टीमेटली कस्टमर को बाइंग के ऊपर इनक्रेज भी कर सकेगा सो so, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द रिटेलर्स दूसरी बात है मेंटेन और इम्प्रूव कंपनी इमेज जिस तरीके से मैंने पब्लिक रिलेशनस की बेसिक डेफिनेशन के अंदर ये बात की कि रिटेलर के इमेज को उसके पैटर्नेज को बिल्ड uh, करना इज़ वन ऑफ द की एडवांटेज वन ऑफ़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशंस अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है जो कि मेन काम है इसका मतलब यह कि रिटेलर सक्सेसफुल हुआ है अपने इस टास्क के अंदर अपने इस प्रमोशन मिक्स के अंदर थर्ड है शो द रिटेलर एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू पब्लिक्स क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या uh, रिटेलर जो है वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में Uh, मदद कर रहा है या नहीं कर रहा सो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग इज टू गिविंग द अवेयरनेस टू द पीपल दीपल वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इम्प्रूविंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग येस वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ तो ये वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव है जो कि रिटेलर सेट करता है अपने रिटेल स्टोर के लिए फिर एक और ऑब्जेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेट इनोवेटिवनेस तो कोई भी इनोवेटिव काम विच यू आर गोइंग टू डू एज ए रिटेलर आपने उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसको डेमोन्स्ट्रेशन करनी है और वो कैसे मुमकिन होगी द मोर इनोवेटिव यू आर द मोर इनोवेटिव थिंग्स यू विल डू कैसे लोगों को पता लगेगा जब आप पब्लिक रिलेशनस करेंगे लोगों को बताएंगे लोगों को डेमोस्ट्रेट करेंगे एंड दिस विल गिव एन इमेज दैट यू आर डूइंग मोस्ट इनोवेटिव थिंग्स और uh, मैं इनोवेटिवनेस की बात भी करूँगा मैं न्यूनेस की बात भी करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल तेरा रिटेल स्टोर्स जिसने लट से हैविंग अ कॉम्पिटिशन के यहाँ पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द लार्जेस्ट पिर्जा फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले फॉर द लार्जेस्ट कोक डिस्प्ले सो इस तरह के फॉर द लार्जेस्ट सोफ डिस्प्ले तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज करके आप एक्चुअली इंकरेज कर रहे होते हैं कि आप कस्टमर्स को अपने स्टोर की तरफ लेके आएँ एंड दिस इज वन ऑफ द गुड स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग क्रिएटिंग पब्लिक रिलेशनशिप फिर प्रेजेंटिंग अ फेवरेबल बैनर मैसेज इन बिलीवेबल मैनर बिकॉज जब आप पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं मिनिमाइज टोटल प्रोमोशन कॉस्ट जो ऑब्जेक्टिव so है रिटेलर का कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है तो पब्लिक रिलेशन के थ्रू यू कैन मिनिमाइज दॉ दिस इज वन ऑफ दी की ऑब्जेक्टिव जो कि आप अचीव करते हैं थ्रू दिस पब्लिक रिलेशनशिप इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं लेट मी डिस्कस विद यू वन बाय वन तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस मेथड के एडवांटेजेस की तो पहला एडवांटेज हमारे पास जो है वो है इमेज कैन बी प्रेजेंटेड और एनहेंस जिस तरीके से हमने बात किया कि देर अ बिग चांस कि यू कैन इंप्रूव यू कैन इंक्रीज यू कैन एनहेंस यू कैन वेल प्रेजेंट यूर इमेज फिर आपका मोर क्रेडिबल सोर्स क्रिएट जो पब्लिक रिलेशन होती है इट इज मोर क्रेडिबिलिटी इट इज मोर क्रेडिबल सोर्स इन नो कॉस्ट ऑफ मैसेज टाइम और स्पेस क्योंकि यू आर गोइंग टू हिव अ क्लियर मैसेज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डायरेक्टली टू द पीपल तो या तो उस मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोई कॉस्ट नहीं है या बहुत ही थोड़ी कॉस्ट है जो कि आप करने के लिए जा रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ पब्लिक रिलेशन्स मैस ऑडियंस एड्रेस्ड जब आप पब्लिक रिलेशन्स के वन ऑफ द एडवांटेज में से ये है कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं वो मैस ऑडियंस है और एट द सेम टाइम वो एड्रेस्ट हो जाती है और आपका ऑब्जेक्टिव एज ए रिटेलर पूरा होता है कैरी ओवर इफेक्ट्स पॉसिबल ऐसा भी बहुत दफा ऑब्जर्व किया गया है कि आपने कोई एक्टिविटी की अपने इमेज को बेहतर करने के लिए और बाद में भी उसके कैरी ओवर इफेक्ट्स आते रहे जिससे रिटेल स्टोर को उसके मल्टीपल टाइम्स कैरी ओवर बेनिफिट्स मिले तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस के इस तरह के केसेस के अंदर पब्लिक रिलेशन को एज ए प्रोमोशन मिक्स के तौर पर जब आप यूज करते हैं तो उसके कैरी ओवर इफेक्ट्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं दैन पीपल पे मोर अटेंशन देन टू क्लियरली आइडेंटिफाइड एड्स तो एज कंपेरिजन टूट दी एडवर्टीजमेंट लोग ज्यादा अटेंशन देते हैं जब आप उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो अगर रिटेलर पब्लिक रिलेशंस को फोकस करता है तो ये ज़्यादा इंकरेज बात है ज़्यादा अप्रिशिएबल बात है एज कम्पेयर टू दी आइडेंटिफाइड एड्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि इस मेथड uh, से इस एलिमेंट से रिलेटेड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिटेलर्स डू नॉट बिलीव इन स्पेंडिंग ऑन इमेज रिलेटेड कम्युनिकेशन इंटरनेशनली ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे रिटेलर्स रादर uh, कुछ रिटेलर्स स्पेशली ऐसे ऑब्जर्व किए गए हैं कि जो कि अपने ब्रांड इमेज को अपने इमेज से रिलेटेड कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करते कि वो उसके ऊपर काम करें उसको फैलाएं तो दिस वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस अगर वो बिलीव करते हैं इस तरह की अप्रोच के ऊपर फिर पब्लिक रिलेशन का मेथड का एलिमेंट उनको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा फिर लिटिल कंट्रोल ओवर पब्लिसिटी मैसेज बिकॉज व्हाट्स एवर मैसेज आर गोइंग टू डू यू हैव हैिटल कंट्रोल ऑन इट मोर सुटेबल फॉर शॉर्ट रन ऑफ कोर्स इसके कैरी ओवर इफेक्ट्स आ सकते हैं लेकिन वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस कि ये ज़्यादातर सूटेबल है शॉर्ट टर्म के अंदर और लास्ट पार्ट है द कॉस्ट ऑफ पी आर स्टाफ पब्लिक रिलेशन स्टाफ प्लानिंग एक्टिविटीज एंड इवेंट्स इज नॉर्मली हाई बिकॉज ये द पीपल विद द रिलेशनशिप्स एंड द पीपल हु विल हेल्प यू इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स दे विल बी द एक्सपेंसिव रिसोर्स ऑल द प्लानिंग एक्टिविटीज ऑल द इवेंट्स विल हैव अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट तो इस तरह की जो मेथड है इस तरह ये जो एलिमेंट है ऑफ पब्लिक रिलेशंस ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से इट इज़ ऑन वन ऑफ़ द डिसएडवांटेजेस कि इसकी कॉस्ट जो है वो ऑफ प्लानिंग इवेंट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ स्टाफ इज ऑन द हाइड साइड तो रिटेलर के लिए अपने इमेज को बेहतर करने के लिए जो दूसरा बड़ा एलिमेंट हमने डिस्कस किया है वो पब्लिक रिलेशंस का है और ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने बेहतर तरीके से आप रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं उतना ही बेहतर आपका इमेज एज ए रिटेलर क्रिएट होगा